गणतंत्र दिवस व कुंभ मेले को लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बृहस्पतिवार को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा स्टेशन परिसर का सघन चेकिंग किया गया। इस दौरान यात्रियों के बैग की तलाशी के साथ साथ पार्किंग में खड़े दोपहिया और चार पहिया वाहनों के भी चेकिंग किया गया और साथ ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के अंदर डॉग स्क्वाड टीम द्वारा सघन चेकिंग की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जीआरपी इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर रणजीत यादव ने कहा। Thank you.
आगामी 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए ये चेकिंग की गई है, संदिग्ध वस्तु और व्यक्तियों की चेकिंग की गई है और कुंभ मेला को देखते को भी मद्देनजर रख करके चेकिंग किया गया है। इसमें आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएफ की सीआईबी की टीम भी थी, नहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। देखिए, गणतंत्र दिवस के साथ साथ कुंभ मेला का भीड़ बहुत ज़्यादा स्टेशन पे आ रही है, इसके मद्देनज़र हमारे उच्च अधिकारियों का, हमारे आईजी सर का और कमांडर सर लखनऊ का पहले से ही निर्देश है, इस संबंध में लिखित रूप से निर्देश जारी किए हुए हैं। उसी के अनुपालन में हम लोग आपस में समन्वय करके और डॉग स्क्वाड के साथ और सीआईबी टीम और गुड्स एंड पार्सल पोस्ट के इंस्पेक्टर के साथ भी लोगों के साथ ज्वाइंट करके एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान चलता रहेगा, रात में भी हम लोग चलाएंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की सघन निगरानी कराई जा रही है।